त्रिगुणों के कुछ बेसिक के बारे में बात कर लेंगे कि त्रिगुणों में आपके पास मान लो दो केस लेकर चलते हैं। पहला केस ये लेकर चलते हैं, मान लो एक पर्सन जो है यहां पर है, मान लो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर यहां पर एक पर्सन खड़ा है और वो ना नीचे की तरफ देख रहा है। अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है इसका मतलब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल यहां बनेगा क्योंकि एक आदमी यहां किसी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है और वो नीचे की तरफ देख रहा है। अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है तो हम क्या लेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल यहां बनेगा। दूसरा केस ये होता है कि मान लो एक आदमी नीचे खड़ा हुआ है और वो एक बिल्डिंग को देख रहा है, अगर वो बिल्डिंग को देख रहा है तो एंगल यहां बनेगा। अभी मुझे क्या बात करनी है, जो आपका एंगल होता है एंगल का जो ऑपोजिट है, एंगल का ऑपोजिट साइड देखते हैं, तो उस एंगल जहां आपका एंगल बना हुआ है चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ। यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यहां पर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बिकॉज एंगल का जो ऑपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको एच बोलते हैं, बाकी जो बच गया ये हमारा बेस हो गया, ये भी हमारा बेस हो गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि हमने साइन की बात करनी है, कोस की बात करनी है, टैन की बात करनी है, कि एंगल कौन सा लेना है? देखो साइड वही बताती है। अगर पी और एच के बारे में बात हो रही है सिर्फ क्वेश्चन के अंदर, तो आप साइन एक्स मतलब साइन थीटा की बात कर रहे हो। अगर आप बेस और एच हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हो तो आप कॉस थीटा लोगे। अगर आपके पास जो दो साइड्स हैं वो परपेंडिकुलर और बेस हैं, इसका मतलब आप टैन के लिए बात करोगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मान लो मुझे यहां पर एक परपेंडिकुलर की हाइट दे दी गई है, मैंने बोल दिया फोर, सपोज करो मैंने फोर बोल दिया, यहां पर मैंने बोल दिया बेस भी बता रखा है कि यहां पर आपके पास ये भी क्या है फोर, तो मैंने इसकी लेंथ बता दी है आपको और इसकी लेंथ बता दिया, ठीक है। तो मुझे क्या है अब P की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, इसका मतलब मुझे क्या पता चला, P की वैल्यू B की वैल्यू पता है, इसका मतलब मैं टेंजेंट थीटा निकाल सकता हूं। P मेरे पास 4 है, B मेरे पास 4 है, कैंसल होके टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री। थैंक यू।